जी जो ने फरमाई पेंशन का था, प्रोविडेंट फंड का था, प्रोविडेंट फंड। अब बताइए मुझे, एक गरीब मजदूर अपने घर को कैसे पालेगा, कैसे पालेगा? महंगाई आसमान पे, कोई चीज सस्ती नहीं। वो तेल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, वो गैस का सिलेंडर ले लीजिए, अगर कोई चीज सस्ती रह गई तो वो इंसान रह गया। और ईमान से मैं जब देखता हूं कि अगर हमारा मजदूर ठर्रा पीता है, वो इसलिए पीता है कि वो समझता कि यार इससे मैं सब चीजें भूल सकता, वो सुनना नहीं था, उसके घर में भुखमरी है, बदहाली है, बच्चे बेकार हैं, पढ़े लिख के बेकार, बच्चियों की शादी का वक्त आ गया मगर कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको वो विदा कर सके। यह हालत है, हर कोई मजदूर बाहर से, जैसे कि यहां के लोग बिल्कुल बेकार के लोग। मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए। अफसोस इस बात का है। बहुत अच्छी चीज मुझे एक साथ में भेजी, उसने कहा सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन, सिर्फ इलेक्शन की सोचता है कि इलेक्शन कैसे जीतेगा, कितना झूठ बोल सकता है, कितना बेईमानी कह सकता है, कितने झांसे दे सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। मगर लीडर जो है वो ये सोचता है कि मेरे बच्चों का और उन बच्चों का जो लोगों के हैं उनका क्या होगा, वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे वतन तरक्की करेगा। कोई नहीं सोचता कि मैं इलेक्शन जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उसका मकसद है कि हम लोग इज्जत से कैसे रह सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। हाल ये है हमारा, और कही सही कहा इन्होंने, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किश्तवाड़ में, मजदूर बाहर से, क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं कुछ नहीं कर सकते? आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, बाईपास बन रहा है, क्या उसमें हमारे लोग काम नहीं कर सकते? या जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपकी, अल्लाह रहम करे स्मार्ट सिटी, मैं तो कान पकड़ता हूं स्मार्ट सिटी जो हमने कश्मीर में भी बनाई है, हैरान होंगे आप, सड़कें छोटी हो रही हैं और फुटपाथ बड़े हो रहे हैं। कमाल ये देखिए, आज कौन चलता है मुझे ये बताइए, कितने लोगों को आपने देखा साइकिल चलाते हुए? अगर कोई चलता है तो ठंडी सड़क पर मैंने देखा लोग को चलते हैं, या गांधीनगर में कोई पार्क है, पार्क में चलते, सड़क पर नहीं चलते, सड़क पर डर रहता है कि पता नहीं मोटरसाइकिलों पर चढ़ जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगी, टेम्पो चढ़ जाएगा, मगर हार दे और टाइलें लगाई जा रही है। वाह क्या बात है, कल यही टाइलें लोग उठा के घर ले जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, देखना आप। अरे इस गरीब का तो सोचो, जिसके दम पे तुम हुकूमत बनाते हो, इस गरीब का सोचो, झांसा तो देते हो, इन्हें कहते हो राम के लिए वोट देना है, अरे यार कयामत है, क्या खुदा के लिए वोट चाहिए उसको? वोट तो मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे भगवान के लिए वोट नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे राम को वोट देना होगा तो मैं तो समझता हूं दुनिया का अंत हो गया होगा, मगर लोगों को झांसा देते, हिंदू खतरे में,
अरे वाह, यहां तो हर एक खतरे में वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो वो सारे भूख से मर रहे हैं। कुर्सी खतरे में, वो कुर्सी बचाने के लिए अपना खतरा बता रहे, खतरा आगे। नहीं मुझे जुकाम हो गया था, नहीं आता तो लोग सारे कहते हैं फारूक अब्दुल ने झूठ बोला है, नहीं आया। आपसे कहता हूं सबसे आसान चीज जो है वो इंसान है। इंसान मर जाए कोई परवाह, वो क्यों ना भूख से मर। अंग्रेजों के जमाने में बांधते हैं 1942 में 43 में बंगाल में जबरदस्त कैद आया, 3 मिलियन लोग मर गए हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हमारा राशन अंग्रेज ले जाता था अपनी फौज के लिए जो दूसरी जंग लड़ रहे थे। आज तो हमारा वतन है, आज तो हम हैं, हम मालिक हैं इस वतन के, और हमसे ही हाल कि हमारे मजदूर को जिंदा रहने के लिए ये भी नहीं सोचते हो कि कैसे जिंदा रहे इज्जत से। वो मेरा बंगला नहीं मांगता, वो मेरी गाड़ी नहीं मांगता, वो मेरी दौलत नहीं मांगता, वो कहता मुझे जीने के लिए दो कि मैं इज्जत से जी सकूं, मैं चल सकूं, मेरे बच्चे पढ़ सके, मेरे बच्चों का कुछ आगे कोई रास्ता निकले, मेरी बेटी का कोई रास्ता निकले। कोई नहीं सोचता। आई टू स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट सिटी तब है जब यहां के लोग उस पर चल सकें, बच सकें। उनके लिए तो मुझे सोचते मुझे तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, तकरीरें बहुत मारते हो रोज, हमारे लीडर तकरीरें मारते हैं, ये कर दें वो कर देंगे। आज लोगों की हुकूमत नहीं है, दिल्ली की हुकूमत, और ये हाल है दिल्ली की हुकूमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोस्त हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकशी कर रहेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है, मुझे याद है किस तरह मुश्किल से यहां इंडस्ट्री लाई गई, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर है मरकज से, सारा सामान बाहर से आना है, इंडस्ट्री लगाई है। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी हुकूमत में आई 80 में, तो उन दिनों में वो व्हाट वाज दैट फाइबर कॉल्ड, नायलॉन फाइबर जो था उसकी फैक्ट्रियां लगनी थी, 3 फैक्ट्रियां, मैं गया इंदिरा गांधी जी के पास, मैंने कहा हम लोग यहां बहुत गुर्बत है, बड़ी सख्त गुर्बत, बारिश नहीं पड़ती, हमारा कंडी इलाका है वहां पे ऐसी मुसीबत है कि भुखमारी होगा, इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीजें आ जाती है, हाँ, और हम लोग बच जाएं। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा फारूक
बिल्कुल चाहिए, आँख में वादा किया था वो तीन लग जाए आपके यहाँ फिर लगाए, फिर वो रहेंगे, उनकी मृत्यु होगी। मगर आज भी मुझे याद है वो सर कहती थी कि हम यहाँ भी लगाए। स्कूटर इंडस्ट्री आई, मैं दौड़ गया कि